ये पीछे की ले लेंगे ना।
मेरे नाल दोस्त बैठा जी गरेवाल कहता मेरे दोस्त ना गौरव की सिस्टर ब्याही हुई है इस तरह वाला गल्ला चल रही है एक्सीडेंट हो गया था सर्जरी हुई नहीं की दोबारा फिर हुई मतलब इन्फेक्शन हो गया दोबारा फिर हुई बट उसके बाद गुरुजी ने जैसे मुझे बचाना था मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था पता नहीं वो कहते हैं ना जब बंदे का मन साफ होना तो खुद भगवान के सामने आ जाते हैं जब जैसे मर्जी आए और मेरे साथ भी एक ऐसा मिरेकल हुआ गुरुजी बस फोन के जरिए मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से और ऐसे गई जुड़ते कि जुड़ते ही चली गई उसके बाद तो मतलब डॉक्टर ने मेरे को थर्ड सर्जरी बता दी थी हो सकता है टांग भी कट जाती मेरी मतलब इन्फेक्शन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था इसको तो खैर गुरुजी ने मेरे को जून में मेरी हुई थी मई के लास्ट में सर्जरी सेकंड बट जून में मैं 3 जून को रेडमी शिफ्ट में गई मेरे को पता लगा कि वहाँ सिस्टिक होता है तो वहाँ मेरे को गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस में क्लीन कराई पूरी इतनी फ्रेग्रेंस आई मेरे को मतलब उन्होंने मेरा वहाँ जाना स्वीकार कर लिया था ठीक है उसके बाद मेरा इतना मंदिर सॉरी मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे ना मंदिर जाना है दिल्ली का तो मुझे नहीं पता था टुकड़ी का पता था मैं मेरे को ना टुकड़ी मंदिर जाना है और वहाँ जाके मैंने सुना है कि ठीक हो जाते हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलने लगे कि हाँ तू पहले थोड़ा सा ठीक हो जा तू चल फिर और फिर मैं तुझे लेके जाऊँगा मैंने कहा ठीक है पर जो मेरी लगन थी ना वो कम होने की बजाय बढ़ती चली गई पता नहीं मेरे पास अंजू दीदी का नंबर कैसे आ गया मेरे वाले ग्रुप में हमारे जो इधर के सेंटर वाले ग्रुप हैं तो ये बड़े मंदिर के लिए 7 जुलाई के लिए मैसेज था लास्ट ईयर तो मैंने इनको कॉल किया 11 बजे हाँ जी रात को 11 बजे तो पहले मैंने अपनी तसल्ली भी करी कि वहाँ से मंदिर चलने के लिए कितना दूर चलना पड़ता है क्योंकि मैं इस हाल में नहीं थी कि मैं चल पाऊँ तो मैंने इनको पूछा कि दीदी चलना पड़ता है मंदिर में कहती हाँ चलना तो पड़ता है बट इन्हें तो मतलब थोड़ा ही चलना पड़ता है मैंने कहा ठीक है इतना तो मुझे भी पता था कि बर्थडे में जा रहे हैं रश तो होगा ही तो मैंने कहा जो गुरु जी की इच्छा मैं और मेरे हस्बैंड हम चले गए मैंने इनको बोला मेरे को लास्ट की सबसे लास्ट के सेंटर में सीट देना और ताकि मैं अपनी टांग खोल के चली जाऊँ स्टूल पे ना क्योंकि मेरी अभी सर्जरी हुई है तो ठीक है इन्होंने वैसे ही मेरे को सपोर्ट किया और वैसे भी बहुत ज़्यादा किया था कि तू लोटे में जल रख ले स्वरूप के साथ अटैच कर ले मतलब जब से हम मिले भी नहीं थे इन्होंने बहुत गाइड किया मेरे को क्या क्या करना है सो वैसे मैं करती गई और बड़े मंदिर जाने के बाद तो मेरे साथ जैसे चमत्कार होते चले गए 2-3 महीने में देखो जुलाई में गई थी अगस्त सितंबर इन्फेक्शन कम होते चला गया डॉक्टर ने सर्जरी भी कैंसिल होगी मेरी थर्ड कि अब तो कम हो ही रहा है और देख लेते हैं सितंबर में तो फिर मैंने शुक्राना सत्संग रखवाया था 18 सितंबर को पहला शुक्राना सत्संग तब तक तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो 0 पे आ गई थी हाँ जी और उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ मतलब हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों ही ब्लेस करें जय गुरु जी और आज इस लायक बना दिया मैं पहले जैसे फुल एक्टिव नहीं तो मैं पूरा मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह सब 0 पे चला गया था और बहुत सी डिप्रेशन टेंशन ये सब था घर में इसके अलावा कुछ था ही नहीं अब तो अब तो खैर गुरु जी की मेहर है मेरे को उन्होंने इतनी जल्दी रिकवरी पे रिकवरी देते चले गए और आज मेरे को 4-5 महीने हो चुके हैं मैं खुद से सेवा लेके जाती हूँ संगत को बड़े मंदिर और महीने में मेरी और जाते हैं उसमें एक डिफरेंस नहीं है और ये तो मेरा खुद का सत्संग है अभी मैं अप्रैल का जो हमारी बस में मिरेकल हुआ वो सुनाती हूँ मैं ठीक है मई में हमारी बस गई बड़े मंदिर तो 50-60 बंदे हो जाते हैं 2-2.5 किलो दूध की चाय बनती होगी कम से कम है ना बड़ा कैंपर था चाय लेके गए प्रसाद के लिए तो जैसे ही हमने पूरी संगत बैठ जाती है थोड़ा सा आगे निकल के साफ हाथ से क्रॉस करके हम प्रसाद लगाते हैं गुरु जी को भोग लगाते हैं तो वहाँ हमने क्या किया पहले गुरु जी के लिए मतलब 2 कप चाय निकले कैंपर में एक गुरु जी को लगाया और एक अभी रख दिया कि पहले ड्राई वाला प्रसाद देते हैं ये चाय वाला बाद में दे देते हैं तो हमने ड्राई वाला दे दिया
उसके बाद जैसे ही संगत को चाय देने लगे, वो दो ही कप चाय के निकले, चाय गायब होगी कैंपर में से। और आप देखो सिर्फ दो चाय किसको मिली, एक गुरु जी को, और एक उसमें एक लड़की थी, वो मेरी रिलेटिव थी, मतलब वो गुरु जी को इतना मानती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब वो इस्कॉन टेम्पल में सेवा करती है, मतलब बाप के भी हरि को पूरा मानती है, और वो गुरु से भी पूरी अटैच है। गुरु जी से एक उसको चाय मिली और एक गुरु जी की चाय, बाकी सारी चाय गायब होगी। हम कैंपर में से चाय निकाले, तीसरे कप के लिए चाय ना निकले, ऊपर से खोल कर देखे उसमें तो चाय ही नहीं है कैंपर में, गई कहाँ चाय, ग्रुप में भी नीचे एक भी टुकड़ा चाय नहीं था, हो सकता है लीक हुई हो या कहीं गिरी हो, नहीं हमने उठा के देखे तो कैंपर में ही लीक है, कुछ भी नहीं, एक टुकड़ा भी चाय नहीं था। मतलब और जिस लड़की को चाय मिली उसको पहला प्रसाद वही मिला, उसके प्रसाद में साक्षात, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कड़ा प्रसाद हमने उठा के चम्मच से वो प्लेट में डाल के दिया उसको, उसके उस कड़ा प्रसाद में पूरे गणेश जी बने हुए हैं। हो सकता है वो फोटो आज भी मेरे पास, और मैंने ग्रुप में भी डाली थी, मैंने चाय वाली तो देखी, चाय वाली भी डाली थी मैंने, कड़ा प्रसाद वाली भी डाली थी, पूरे गणेश जी बने हुए हैं। वो देखो लड़की को सिर्फ गुरु जी ने एज ए चीफ गेस्ट, मतलब ये बोल सकते हैं उसको, उसका वेलकम किया, उसी को प्रसाद मिला, बाकी सारी संगत तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जो मिरेकल को देखो गाड़ी पीछे कर दो जरा, इनको दोस्तों हम रुकी हैं रॉयल ढाबे पर, यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश और चाय वगैरह पियेंगे, और काफ़ी टाइम के बैठे हुए थे तो थोड़ा सा पियेंगे, तो थोड़े से पैर खुले हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे हम फोटो सेशन भी करेंगे, तो एक फ़ोटो शूट करेंगे, तो मतलब 15-20 मेम्बर के उनकी सभी के ग्रुप फोटो करेंगे, तो ये सारे ग्रुप फोटो के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब खड़े हो गए लाइन में। तो ये यहाँ पे ये देखिए हम सारे एक ग्रुप फोटो करेंगे, और ये सबकी एक ग्रुप फोटो हो गई है, और उसके बाद अंदर जाके थोड़ा सा चाय, और जिसको कोई ठंडा वगैरह पीना है, चाय पीनी है तो वो लेके, और फिर उसके बाद हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम बैठे थे चाय का वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलते करवाते हुए, और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे दिल्ली के लिए, निकल चुके थे, तो ये बाहर ढाबे से बाहर आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हम ही शूट कर लेते हैं। तो ये अंजू आंटी हैं हमारे, और चलते हैं फिर एंजॉय कीजिए। वो मैं कहा साडा खड़ी धन धन दीप सिंह जी तेरे साक्षात लगे हुए हैं, और गुरुआ की शक्ति है, उधर मैं देखा गुरु जी ने साक्षात महाशिव कहते ना खड़े हो जाते हैं आगे, उन्होंने बचाया, कितना सेवा लगनी सी, एक मिनट तो सुते नहीं, सारी संगत नू भी सेवा करनी, किसी नू जल प्रसाद दे, किसी नू आ दे, तो उधरों ड्राइवर का भी, तो मुंडा भी देखी जाए कि अंकल की करन दे, तो फिर ना हुआ कि ड्राइवर ने ना उधरों बेटी आ गई, मैं तो अपना नमस्कार करके तो अपना आ गया, फिर जो मोरनी आंटी ने ड्राइवर नू जो भी दान दक्षिणा जो दिंदे होने दे दू के तोरिया, तो बाद विच ना दो दिन बाद ना मोरनी आंटी ने मैनू फोन आया, कहने रजीव देखना, कहने तेरा सानू पता कि तू जाना बसा च अपना पेड़ भी जाने हो, ते तेरे को गुरु जी ने कि सेवा लेनी सी, ते तेरे ना चाहते हुए भी तेरी इधर सेवा लगी, सानू पता एक मिनट भी सुते नहीं तुसी, ते कि भी सारी बस की कि गुरु जी ने रक्षा की थी।